मूवी की शुरुआत साल 1952 में सेंट कार्टा के एक एबी की तरफ ले जाती है। एबी के अंदर हमें दो नंस किसी दरवाजे की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। उस दरवाजे पर लिखा होता है कि इसके अंदर शैतान का राज है। तभी एक नन दूसरी नन से पूछती है कि क्या वो लोग सही कर रहे हैं, और इसके जवाब में दूसरी नन कहती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और इतना कहने पर वो नन की से वो दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में प्रे करती हुई दूसरी नन देखती है कि अंदर गई हुई नन पूरी तरह घायल है, और वो उसे की देते हुए कहती है कि शैतान को चर्च से बाहर निकलने के लिए एक जरिया चाहिए, और शैतान ऐसा न कर पाए ये जिम्मेदारी अब उस दूसरी नन की है। लेकिन घायल नन की बात पूरी होने से पहले ही कोई बुरी शक्ति उसे अंदर खींच लेती है, और बची हुई नन की लेकर वहाँ से भाग जाती है। पर कमरे में जाकर उसे एहसास हो जाता है कि शैतान अभी भी उसके पीछे है, और इससे पहले कि शैतान उस तक पहुँच पाता, नन खिड़की से कूद जाती है, जिसके बाद जले हुए उल्टे क्रॉस का निशान बनाते हुए हमें शैतान की परछाई नजर आती है। सुबह होते ही वहाँ का एक लोकल आदमी फ्रांची एबी के सामने जाता है और देखता है कि उस नन की लाश टंगी हुई है। रोमानिया सिटी में इस हादसे का पता वेटिकन सिटी में बैठे हुए बिशप्स को लग जाता है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो लोग फादर बर्क को वहां पर भेज देते हैं, और साथ में वो लोग फादर बर्क को एक पोस्टुलेट को ले जाने को कहते हैं। पोस्टुलेट उस लड़की को कहते हैं जो नन बनना चाहती हो। मूवी के अगले सीन में हम सिस्टर आइरीन को बच्चों को बाइबल की स्टोरी सुनाते हुए देखते हैं, जो कि एक पोस्टुलेट थी। तभी वहां चर्च की नन आकर सिस्टर आइरीन से कहती हैं कि उसे कुछ दिनों के लिए फादर बर्क के साथ रोमानिया जाना होगा। कुछ ही देर में फादर आइरीन को लेकर निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर का सफर करने के बाद वो लोग फ्रांची के घर के बाहर रुकते हैं। फ्रांची से मिलने के बाद फादर उससे सारी घटना के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद फादर चाहते हैं कि वो उन्हें एबी ले जाए। पहले तो फ्रांची वहां जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर सिस्टर आइरीन के रिक्वेस्ट करने पर वो उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रास्ते में फ्रांची की कार खराब हो जाती है, तो बाकी का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है। रास्ते में फादर बर्क आइरीन को बताते हैं कि वो लोग सिर्फ नन के मरने की वजह से एबी नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें ये भी पता करना है कि चर्च अब भी पॉजिटिव है या फिर उसके अंदर कोई नेगेटिव पावर रहने लगी है। लेकिन अंदर जाने से पहले फादर बर्क फ्रांची से उस सिस्टर की लाश को दिखाने को कहते हैं। फ्रांची बताता है कि उसने सिस्टर की लाश को आइस रूम में रख दिया है, और वहां पहुंचने पर फ्रांची देखता है कि वो लाश बैठी हुई है, जबकि फ्रांची ने लाश को लिटा रखा था। पर फादर बर्क उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, और उन्हें सिस्टर की लाश के पास उसी दरवाजे की मिलती है। नन की लाश को दफनाने के बाद वो तीनों एबी के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें चेयर पर बैठी हुई एक हेड नन मिलती है। हेड नन को ये पता होता है कि आइरीन ने अभी तक अपनी नन बनने की वोव नहीं ली है, और वो उनसे यहां आने की वजह पूछती है, और फादर उन्हें सब कुछ बता देते हैं। लेकिन हेड नन के अकॉर्डिंग वहां पर कोई डेथ नहीं हुई, पर फिर भी फादर बर्क सभी सिस्टर्स से मिलकर तसल्ली करना चाहते थे। लेकिन अपनी डरावनी आवाज में नन कहती है कि वो सभी अभी प्रेयर करने गई हैं, और इसलिए फादर और सिस्टर को कल ही आना होगा। इतना बोलकर वो उन्हें कॉन्वेंट में बने लॉज में रहने के लिए भेज देती है। अब लॉज के कमरे में जाने के बाद फादर फ्रांची को अगले दिन वापस आने को कहते हैं। अगले सीन में हम फ्रांची को एक ग्रेवयार्ड की तरफ से घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन घर जाते वक्त फ्रांची को वही नन दिखाई देती है जिसे उसने मरा हुआ देखा था। फ्रांची नन का पीछा करते हुए ग्रेवयार्ड के अंदर पहुंच जाता है, जहां पे वही नन किसी और रूप में उसे दिखती है, और वो डरकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइरीन और फादर बर्क खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान फादर बर्क आइरीन को बताते हैं कि कुछ साल पहले उन्हें डेनियल नाम के एक लड़के के ऊपर से एक बुरी आत्मा को उतारने का काम मिला था, पर एक्सोर्सिज्म के चलते उसकी डेथ हो गई थी, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं फादर बर्क खुद को मानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है।
और फादर को सोते वक्त कुछ आवाज आने लगती है। कमरे से बाहर निकलकर वो देखते हैं कि आइरीन अपने कमरे में सो रही है, तो आवाज का पीछा करते हुए फादर अकेले ही ग्रेवयार्ड की तरफ चले जाते हैं और फ्रांची की तरह उन्हें भी शैतान डैनियल के रूप में मिल जाता है और फादर के ऊपर अटैक करके डैनियल उन्हें खुदे हुए ग्रेव के अंदर गिरा देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आइरीन की भी नींद खुल जाती है और किसी के होने का एहसास उसे भी कमरे के बाहर ले आता है। थोड़ी दूर चलने के बाद आइरीन को एक नन का साया दिखाई देता है और वो साया धीरे धीरे चलते हुए शीशे की तरफ बढ़ता है और आईने के अंदर आइरीन को एक इविल नन दिखाई देती है। आइरीन डरकर कमरे से बाहर आ जाती है और फिर उसे कहीं दूर से बेल्स की आवाज आने लगती है। दरअसल वो बेल फादर ही बजा रहे थे जो कि उनके ग्रेव पर लगी हुई थी, ताकि वो आइरीन को अपने जमीन के नीचे होने का हिंट दे सके। लेकिन जैसे ही बेल की आवाज का पीछा करते हुए आइरीन ग्रेवयार्ड पहुंचती है, वहां सभी ग्रेव्स की बेल्स बजने लगती हैं। दूसरी तरफ ग्रेव के अंदर फंसे हुए फादर पर कोई हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि फादर को कुछ नुकसान पहुंचता, आइरीन उन्हें बचा लेती है। ग्रेव से निकलने के बाद फादर आइरीन को बताते हैं कि इस जगह पर एक बहुत ही पावरफुल ईविल है और जिस ग्रेव में वो फंसे थे उसके अंदर उन्हें कुछ बुक्स भी मिली हैं। अगली सुबह फादर और आइरीन एबी वापस जाते हैं और फादर सिस्टर आइरीन को बाकी की नन से बात करने के लिए एबी के अंदर भेजते हैं। अंदर जाकर सिस्टर आइरीन सिस्टर ओआना से मिलती हैं, जो कहती हैं कि इस एबी में हर टाइम कोई ना कोई नन प्रेयर करती रहती है। दूसरी तरफ एक बार में बैठे फ्रांची को एक आदमी बताता है कि वहाँ पर अब इंसान मरने लगे हैं और जो शैतान एबी में है अब वो बाहर आने लगा है, और उस आदमी की ये बात सुनकर फ्रांची आइरीन के लिए डर जाता है। उधर फादर बर्क ग्रेव से लाई हुई बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और बुक में उन्हें एक खास शैतान वलाक के बारे में पता चलता है। वलाक हेल का एक ऐसा शैतान था जो सांपों का भी राजा था। फादर बर्क अभी बुक्स पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी चर्च का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर ओआना आइरीन को चर्च की हिस्ट्री बताने लगती हैं। वो बताती हैं कि इस एबी को सेंट कार्टा के राजा ने बनवाया था, लेकिन उसी राजा ने हेल से एक नेगेटिव पावर को बुलाने के लिए विच क्राफ्ट करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि हेल से कोई नेगेटिव पावर पूरी तरह से बाहर आ पाती, चर्च वालों ने राजा पे अटैक करके उसे मार दिया और शैतान के बाहर आने वाले रास्ते को जीसस क्राइस्ट के ब्लड की मदद से बंद कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद वॉर के दौरान इस चर्च पर बॉम्ब्स गिराए गए, जिसकी वजह से हेल का दरवाजा फिर से खुल गया। सिस्टर ओआना की बातें सुनने के बाद आइरीन उसे बताती है कि लास्ट नाइट उसे एक ईविल नन दिखाई दी जो कि बाकी नन से बिल्कुल अलग और भयानक थी। तब ओआना कहती है कि उस नन को सभी ने देखा है और वो उन सबके बीच में रहती है, पर वो कोई नन नहीं है बल्कि वो वही हेल से आया हुआ शैतान है जो उनके डर को उनकी कमजोरी बनाता है। मगर इससे पहले कि ओआना आइरीन को कुछ बता पाती, दूसरी नन आकर उसे रोक देती है और आइरीन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन ओआना कहती है कि चर्च का दरवाजा बंद हो चुका है और इसलिए आइरीन को रात में यहीं रुकना होगा। अगले सीन में आइरीन अपने कमरे में ओआना से नन की लाश के पास मिली की के बारे में पूछती है, पर ओआना उसे अनसुना करके प्रेयर करने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ बंद दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करते हुए फादर बर्क को हेड नन की आवाज आती है और थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वो सिर्फ हेड नन की लाश का कंकाल है। उधर सिस्टर जो कि सो रही थी, बुरा सपना देखने की वजह से उनकी भी नींद खुल जाती है। तभी उन्हें एक साया दिखता है जिसका पीछा करते करते वो उसी दरवाजे के पास पहुंच जाती है जहां पर मूवी की शुरुआत में दो नंस गई थीं। दरवाजा खुलने के बाद आइरीन के सामने वलाक आ जाता है और वो आइरीन से उस की को छीनने की कोशिश करता है और सिस्टर आइरीन किसी तरह वहां से भागती है और बीच में सिस्टर ओआना उन्हें रोक लेती हैं। वो आइरीन को प्रेयर रूम में बुलाकर प्रेयर करने के लिए कहती हैं,
क्योंकि सिर्फ एक यही रास्ता था जिससे वो लोग सरवाइव कर पाते। लेकिन प्रेयर रूम में जाने के बाद आइरीन को सिस्टर ओआना की लाश मिलती है, जिसके सामने दूसरी नन प्रेयर पढ़ रही होती हैं। और तभी चर्च की बाकी नंस भी वहां पर आ जाती हैं। वो सभी आइरीन को कैसे भी करके प्रेयर को कंप्लीट करने के लिए कहती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान फादर बर्क पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन फ्रांची सही समय पर आकर उन्हें बचा लेता है और वो दोनों आइरीन को ढूंढने के लिए चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च के अंदर हम देखते हैं कि शैतान सभी नंस को मारने लगता है, लेकिन काफी चोट लगने के बाद भी आइरीन अपनी जगह से नहीं हिलती और अपनी प्रेयर कंप्लीट करती है। थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। आइरीन बाकी नंस को संभालती है और तभी उसे दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है और दरवाजा खोलने पर फादर और फ्रांची उसे मिलते हैं। आइरीन फादर को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और कहती है कि बाकी नंस के साथ प्रेयर करने की वजह से वो शैतान को रोक पाए। लेकिन जैसे ही आइरीन पीछे मुड़ती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। आइरीन कहती है कि वो सब कुछ उसके सामने हुआ जैसे कि सब कुछ रियल हो। तभी हम देखते हैं कि ओआना की लाश उन पर हमला कर देती है और फ्रांची अपनी गन से शूट करके उसे गिरा देता है। लेकिन अगले ही पल उन्हें समझ में आ जाता है कि क्यों सिस्टर विक्टोरिया ने शुरू में अपनी जान दी। वो समझ जाते हैं कि वलाक को चर्च से बाहर निकालने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए और इसलिए आखिरी बची उस नन ने अपनी जान दे दी ताकि शैतान उसे काबू न कर पाए। डरा हुआ फ्रांची ये सारी बातें जानने के बाद वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन आइरीन कहती है कि उन्हें हेल का दरवाजा बंद करना होगा और उसे बंद करने के लिए उन्हें क्राइस्ट का ब्लड चाहिए होगा जो चर्च के नीचे बने किसी कमरे में है, और उसी कमरे की आइरीन अभी तक लेकर घूम रही थी। शैतान को रोकने जाने से पहले फादर बर्क आइरीन की वोव कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद आइरीन ऑफिशियल नन बन जाती है। अब वो लोग टनल के अंदर बने कमरे को चाबी से खोलकर वहां से क्राइस्ट का ब्लड निकाल लेते हैं। क्राइस्ट का ब्लड लेकर अब वो लोग उस दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। कमरे के अंदर जाकर वो तीनों हेल के दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। रूम के अंदर जाने पर आइरीन, फादर और फ्रांची तीनों अलग होकर वो दरवाजा ढूंढने लगते हैं, मगर वहाँ वलाक उन तीनों पर अलग अलग रूप से अटैक कर देता है। लेकिन इसी दौरान सिस्टर आइरीन को हेल का दरवाजा मिल जाता है, मगर वहाँ पर जाकर वो शैतान के जाल में फंस भी जाती है। थोड़ी ही देर में फ्रांची को कुछ इविल नंस दिखाई देती है, जिसके आगे जाकर उसे सिस्टर आइरीन मिलती है। लेकिन इस बार सिस्टर आइरीन को वो वलाक काबू कर चुका था। फ्रांची जल्दी से क्राइस्ट ब्लड को आइरीन के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से वलाक को आइरीन का शरीर छोड़ना पड़ता है और वो पानी में गिर जाती है। लेकिन आइरीन को छोड़कर वलाक फ्रांची पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ पानी में गिरी आइरीन के ब्लड उठाने से पहले ही वलाक उसके सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वलाक उसे मार पाता, आइरीन किसी तरह वो ब्लड अपने मुंह में भर लेती है और वलाक के सामने आते ही वो ब्लड उसके मुंह पर डाल देती है, जिसका अंजाम वलाक के लिए काफी बुरा होता है और वो खत्म हो जाता है। और वो तीनों हेल का दरवाजा बंद करके चर्च को बचाने में भी सक्सेसफुल होते हैं। लास्ट सीन में आइरीन को ले जाते हुए फ्रांची के गले पर उल्टे क्रॉस का निशान देखने को मिलता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।